हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का आधुनिक विज्ञान दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हम रोज विज्ञान के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में हुई इतनी तरक्की के बाद आज भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। उन्हीं सवालों में से एक सवाल है टाइम ट्रैवल। क्या कोई तरीका है जिससे हम समय के पार निकल जाएं? क्या हम कभी टाइम ट्रैवल जैसे फिनोमेना को वास्तव में घटित होता देख सकेंगे? इन सवालों का बस एक ही जवाब है, शायद। शायद भविष्य में कभी। लेकिन समय समय पर दुनिया के सामने कुछ ऐसे लोग भी आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वह समय यात्री हैं। अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए उनके पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी, ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो अपने समय से बहुत आगे की लगती हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी इन लोगों पर विश्वास होने लगता है। आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक टाइम ट्रेवल यानी भविष्य से आए एक व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे। ये घटना है 2003 के मार्च की, जब 44 साल के एंड्रयू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने कनाडा के टोरंटो शहर से इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही इस बात की सूचना होना कि कौन से शेयर्स के दाम ऊपर या नीचे जाने वाले हैं। पुलिस को एंड्रयू पर शंका तब हुई जब उसने केवल 126 ट्रेड्स में सिर्फ $800 लगाकर लगभग $350 मिलियन कमाए थे। उसने शेयर बाजार में महज $800 की राशि के साथ 126 बेहद जोखिम भरे ट्रेड्स किए, ऐसे ट्रेड्स जिन्हें कोई भी समझदार निवेशक कभी भी निवेश नहीं करता। लेकिन मात्र इन 126 ट्रेड से एंड्रयू ने $350 मिलियन की राशि अर्जित कर दी, और इन 126 ट्रेड में से एक में भी एंड्रयू को एक सेंट का भी नुकसान नहीं हुआ। शेयर मार्केट के हिसाब से ये एक नामुमकिन बात थी, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़े दिग्गज भी गच्चा खा जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की पावर से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आवश्यकता होगी एक डीमैट अकाउंट की, जिसे आप अपस्टॉक्स पर बड़ी ही आसानी से और महज कुछ ही मिनट्स में ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक द्वारा अपस्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट बनाएं और स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कीजिए। लेकिन एंड्रयू के केस में यह स्थिति बिल्कुल उलट थी। एंड्रयू के शेयर मार्केट में हो रहे असाधारण मुनाफे ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्हें यह पक्का यकीन था कि इस तेजी से पैसा कमाने में एंड्रयू की कोई ना कोई मदद कर रहा है, या फिर एंड्रयू के पास जरूर ऐसे कोई राज है जिसकी मदद से उसने यूएस शेयर मार्केट में तहलका मचा रखा है। इसी शक के बिना पर एंड्रयू को एफबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंड्रयू से पूछताछ के दौरान पुलिस को उम्मीद थी कि शायद एंड्रयू और उसकी मदद करने वाले लोगों का अब पता लगा लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ये मामला तो अभी और भी पेचीदा होने वाला था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रयू ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। एंड्रयू ने पुलिस को बताया कि वह सन 2256 से आया एक समय यात्री है। इसी कारण उसे ये पहले ही पता था कि शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है। लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को कोरी बकवास माना और अपने तरीके से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को एंड्रयू कार्लसन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ना तो इस नाम के व्यक्ति का कोई सरकारी डेटा था, ना ही कोई अन्य रिकॉर्ड, ना ही कोई पहचान पत्र, और ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड जिससे ये साबित हो सके कि एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई व्यक्ति उस समय में एग्जिस्ट करता है। सन 2003 के समय में किसी ऐसे व्यक्ति का हिरासत में आना जिसकी कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं था, ये वाकई एक बेहद रहस्यमय बात थी। ऐसा लगता था मानो एंड्रयू उस समय दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड्रयू से हर बार पूछताछ में भी उसने हर बार यही कहा कि वह एक समय यात्री है जो कि इस काल में सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से आया है। अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए एंड्रयू ने पुलिस को कुछ ऐसी जानकारियां दी, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया
जो कि अभी घटित नहीं हुई थी लेकिन बहुत जल्द घटित होने वाली थी। उसने पुलिस के आगे ये प्रस्ताव रखा कि अगर उसे जाने दिया जाए तो वह फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से एड्स का इलाज करने का तरीका भी पुलिस को बताएगा और ओसामा बिन लादेन की सटीक जानकारी भी पुलिस को देगा। उसने पुलिस को बताया कि वह पहले भी समय में कई बार यात्रा कर चुका है। आप में से बहुत से लोगों ने इस तस्वीर को कई बार टाइम ट्रेवल से जुड़ी वीडियोस और पोस्ट में देखा होगा, जहां एक आदमी फोटो के समय से कहीं आगे के फैशन वाले कपड़े और ग्लासेस लगाए दिखाई देता है। अधिकतर लोगों का यह भी दावा है कि यह तस्वीर किसी टाइम ट्रेवलर की हो सकती है, लेकिन इस तस्वीर को दिखाते हुए एंड्रयू ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उसका कहना था कि इस समय यात्री की तस्वीर में एंड्रयू भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत से लोगों का ध्यान केवल इस चश्मे वाले व्यक्ति पर ही जाता है। कमाल की बात यह है कि यदि इस फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्ति को गौर से देखा जाए तो यह काफी हद तक एंड्रयू जैसा ही दिखता है, लेकिन इन सब के बावजूद एंड्रयू को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल में डाल दिया गया और उसकी जमानत की राशि $1 मिलियन रखी गई, जो कि किसी कैदी को छुड़वाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। कुछ ही दिनों बाद किसी गुप्त व्यक्ति ने $1 मिलियन का बॉन्ड पेपर भर के एंड्रयू की जमानत करवा ली, लेकिन जब जमानत की समय की अवधि समाप्त हुई तो एंड्रयू वापस कोर्ट में पेश नहीं हुआ। पुलिस ने एंड्रयू को तलाशने की लाख कोशिशें की, लेकिन एंड्रयू अब बेहद रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था, मानो वो कभी यहाँ था ही नहीं। उसकी जमानत कराने वाले व्यक्ति को खोजने की भी पुरजोर कोशिशें की, लेकिन पुलिस को उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। तो क्या एंड्रयू वापस अपने समय में लौटने में कामयाब हो गया? क्या वो वाकई एक समय यात्री था या सिर्फ एक पेशेवर कॉनमैन? आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारी मदद करें। हम आगे भी ऐसी ही मिस्टीरियस और विचित्र घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।